In the third paragraph, Patrick couldn't believe how lucky he was. Where he answered the whole problem, so he said, "Only if you redouble all my homework till the end of the semester, that 35 days, if you do a good enough job, I could even get an AS." तो वो जो पैट्रिक होता है उसे क्या चाहिए था, वो खुश रहता है, बोलता है कि तो अच्छा मौका है मेरे पास, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरीके का एक विषय मिला हुआ है जो कि मेरी विश पूरी कर सकता है। तो वो उसको क्या करता है, कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरे सेमेस्टर को पूरा होने में केवल 35 डेज बचे हुए हैं, और अगर सेमेस्टर एंड होते तक आप मेरा सारा काम करोगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे, तो मेरी क्लास में ए और एस आ सकता है, यानी कि अच्छे नंबर आ सकते हैं। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन अ हैम्पर, ही किक्ड हिज लेग्स एंड ट्रबल हिज फीट एंड ग्रंट्स एंड स्क्वॉल एंड पर्स हिज लिप्स, ओ एंड ऑफ कोर्स आई विल डू इट। लेकिन जो टीनी स्मॉल मैन होता है वो बहुत ही अपने मुंह को सिकोड़ते हुए, मतलब ना नुकर करते हुए, फिर भी क्या करता है क्योंकि उसे सेव होना होता है, तो वो पैट्रिक की बात मान जाता है और बोलता है ठीक है, मैं मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आपके काम को जरूर भी करूंगा। तो ये अभी तक हम लोगों ने 4 पैराग्राफ पढ़ दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताऊंगी। इतना आप लोग अच्छे से घर में सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।